गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो एक्टिविटी करेंगे वो हम करेंगे लेसिंग, जो कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कार्डबोर्ड चाहिए, कोई भी बोर्ड ले सकते हैं, कोई थिक पेपर लेना है आपने थिक पेपर ले सकते हैं, जैसे नोटबुक्स होती हैं पुरानी, तो वो पुरानी नोटबुक्स को जो बाहर का कवर होता है उसको ले सकते हैं। तो ऐसे ही कवर था, मैंने इसको ओवल शेप में काट लिया है और इस तरह के स्टिकर्स थे तो मैंने इसको ऐसे डेकोरेट कर लिया है। अब मैंने मुझे और क्या चाहिए, एक लेस चाहिए। इस तरह से मेरे को एक लेस मिल गई है, शू लेस जो होती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो हमने ये चीज़ बच्चों को देनी है। मैंने साइड्स में होल्स कर लिए हैं इसके, विद द पिन या होल पंच से आप जो हैं होल कर सकते हैं। तो सिंपली बच्चों को एक बार आपने करके दिखाना है, देन दे डू देमसेल्फ। तो कैसे करना है, फर्स्ट होल में से लाइक दिस, आप एक बार बच्चों को करके बताएंगे तो वो अपने आप ही आगे फर्दर करते हुए चले जाएंगे और आप देखेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो इन लेसिस से क्रिएट करेंगे। किसी भी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी बच्चों का जैसा भी इमेजिनेशन होगी तो उस तरह से वो अपनी इमेजिन से जो है इन होल्स के अंदर क्रिएटिविटी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेस। तो मैंने ओवल शेप में इसको जो है कट किया है। बोर्ड को आप फिश के शेप में कट कर सकते हैं, शू की शेप में कट कर सकते हैं, शू लेसिस शू बना के आप इस तरह से, मेरे पास एक शू है, ये शू फेस है, तो इस तरह से आप शू बना के उनको लेसिस कैसे यूज़ करने हैं शू में आप उनको इस तरह से सिखा सकते हैं लाइक दिस। तो इस तरह से ये जो है हमारी लेसिंग एक्टिविटी है। आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करके कट करके उनमें होल्स करके आप बच्चों को दीजिए, वो जो है इस एक्टिविटी को करेंगे और एंजॉय करेंगे। सो दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर टुडे। थैंक यू।